अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। दुआ करती हूँ कि आप भी अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, और उम्मी हसन को भी दुआ में याद रखिएगा। तो जी, आज उम्मी हसन के किचन में क्या बन रहा है जी? आज उम्मी हसन के किचन में बन रहा है जी बोनलेस चिकन के साथ मैं बना रही हूँ हॉट डॉग। तो इसको इस्लामी भी कहते हैं, इस्लामी ही कह लें तो बेस्ट है। हॉट डॉग थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, लेकिन बहरहाल बहुत ही अच्छी और यूनिक जी रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो बस यही हैं मुख्तसर से। तो इनको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बोनलेस चिकन लिया, ये मैंने तकरीबन 300 ग्राम है। हरी मिर्चें हैं, अदरक है और लहसुन है, ये 1 टेबल स्पून है जो भर के जो होते हैं। तो इनका मैंने पेस्ट बना लिया है। स्मॉल साइज़ का मैंने एक अनियन लिया था, उसको भी मैंने चॉप करके रख लिया है। और जो स्पाइसी हैं वो है जी, मेरे पास साल्ट है और सूखी मेथी है, चिली फ्लेक्स हैं, सूखा धनिया है, रेड मिर्च है और जी हल्दी है। तो गरम मसाला है मिक्स जो हम घर में तैयार करते हैं। तो चिली फ्लेक्स ये सब जो है जी, हल्दी है और चिली फ्लेक्स हैं और गरम मसाला, ये 1/2 टीस्पून है और बाकी 1 टीस्पून मैंने सारे हैं स्पाइसी लिए। तो चलिए बनाते हैं। तो ये जो बोनलेस चिकन है इसको बिल्कुल खुश कर लिया मैंने। इसमें मैं जो पूरा टोटल पेस्ट बनाया उसका हाफ हाफ इसमें ऐड कर लूँगी। हाफ हाफ जो है मैं चॉपर में साथ ही इसमें ऐड कर लूँगी टोटल, अगर मुझे ज़रूरत पेश आई तो। वैसे मुझे अंदाजे से मैंने 1 टेबल स्पून ही इसको रखा है, अनियन डाल दिया और ये सारे के सारे स्पाइसी वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और विनीगर और सोया सॉस ये मैं ज़रूर इसमें ऐड करती हूँ कि इससे जो है ना टेस्ट बहुत यमी सा आता है। तो इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें क्योंकि यही स्पाइसी वैसे भी इसने मिक्स ही हो जाना है चॉपर में, लेकिन फिर भी आप इसको मिक्स कर लें कि बराबर इसमें हो जाए मिक्स ये जो स्पाइसी हमने डाले हैं। तो थोड़ा सा मैंने इसमें चावल का आटा भी ऐड किया है ताकि ये नरम ना हो। तो इसमें ये मैं चॉपर इस्तेमाल करूँगी, चॉपर में मैं ये सारा इसमें डालूँगी। जितना आपने यानी कि आपकी चॉपर बड़े भी होते हैं, लेकिन मैंने अपने जो है ना किचन में छोटे छोटे रखे हुए हैं कि ज़्यादा जगह नहीं लेते। तो इतना इसमें ऐड करके मैं इसको चॉप करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने मिक्स कर लिया है, इसको मैं अब हाथ के साथ मिक्स कर लूँगी। ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्स तो वैसे भी हो चुका है, ये देखिए काफ़ी ब्रीक हो चुका है। तो अब मैं इसके ना वो बना दूँगी, बाद में इसका जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगी साथ साथ। तो इसी तरह आप सारे तैयार कर लीजिएगा, ये जैसे ऐसे बने हुए हैं। तो आप, मैंने आपसे पहले ही बोला है कि आप इसमें से जो ये स्पाइसी हैं आप इसको स्किप कर सकते हैं, हमें ज़रा स्पाइसी खाना पसंद है तो मैंने ये बनाया है इसलिए। तो इसी तरह मैं सारे बनाती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने बना लिए हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको कैसे मैं हूँ। तो मैंने ये प्लास्टिक की ले ली है थैली और इसको मैं ऐसे लपेट लूँगी। तो ये मैंने प्लास्टिक में पैक कर लिया है। तो आप चाहें ना इसको, तो आपके पास अगर प्लास्टिक नहीं है तो आप इसमें भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं इसको ऐसे रखूँगी। तो इसको काफ़ी आपने लपेट लेना है कैसे कि इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ना जाए। तो ऐसे ही आप पैक कर लें सारे, मैं करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसी तरह मैंने ये सारे के सारे जो हैं वो मैंने पैक कर लिए। ये देखिए इनको अच्छे तरीके से कि इसके अंदर पानी ना जाए, क्योंकि मैंने इनको पानी में उबाइल करना है। तो ये सारे के सारे जी देखिए मेरे बन गए, तो जी हो गए हैं तैयार। ये प्लास्टिक में अगर आप चाहें तो, क्योंकि अक्सर प्लास्टिक में ही होते हैं लेकिन मेरा दिल नहीं मानता, तो प्लास्टिक में भी आप कर सकते हैं। तो नहीं तो ये देखेंगे तैयार हो गए हैं, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे ये। बस अब मैं पानी, दूसरा इसका प्रोसेस जो है वो मैं भी आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। पानी को उबाल आ चुका है तो मैं अब इसके अंदर ये सारे के सारे जो मैंने ये प्लीकोला में जो एल्युमिनियम की है उसमें मैंने पैक की हैं वो मैं सारे इसमें उबाल लूँगी। 10 मिनट हो चुके हैं तो अब इनको बाहर निकाल लेते हैं। तो अब सारे के सारे जो मैंने रैप किए हुए थे ये, तो इनको अब खोल लेते हैं।
तो इसके बाद हम इनको करेंगे ग्रिल। तो अब हमने इनको ग्रिल करना है, थोड़ा सा पैन में ही करेंगे और बर्गर को भी सेक लेंगे थोड़ा सा ऑयल डाल के, 2 चम्मच इसमें ऑयल डाल के। तो इसको अच्छे तरीके से ब्रश के साथ हम इसको कर लेंगे ग्रीस। इसके बाद हम जितने भी हमने बनाए हुए हैं जी ये सलामी, तो उनको हम कर लेंगे जी ग्रिल। तो ये देखिए इसका बहुत ही खूबसूरत गोल्डन सा कलर आया है, और अब हम इसको निकाल लेते हैं और गरम गरम हम बनाएंगे इसके साथ ना, बहुत टेस्टी बने हैं। इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा था, जो हम बाहर से लेते हैं उससे ज़्यादा अच्छा था। तो जी आयल डाल के पैन में तो आपने सेक लेना है जी बर्गर, थोड़ा सा ज़्यादा आयल डाल के कर लें तो गोल्डन ब्राउन होंगे। तो जी ये बर्गर हैं, इस पर मायनीज लगा देती हैं। मायनीज मैंने अभी घर में बनाई है, बिल्कुल हर चीज़ फ्रेश थी टमाटर केचप के बगैर। और मायनीज में मैंने जिंजर और हरी मिर्चों जो हैं वो भी डाली थी, तो उनका काफ़ी अच्छा टेस्ट था इसमें। तो जी ये हम इस्लामी रख लेते हैं, हॉट डॉग कह लें इसको, जो भी कह लें आप इसमें रख लेते हैं। मैंने मस्टर्ड पेस्ट भी बनाया था लेकिन उसका कलर बहुत ज़्यादा नहीं आया था, क्योंकि येलो कलर का होता है तो उसका कलर नहीं आया था इतना ज़्यादा, लेकिन टेस्टी बहुत था वो भी। तो मायनीज लगा के हॉट डॉग रख के, तो उसके ऊपर मैंने वो मस्टर्ड जो पेस्ट बनाया था वो थोड़ा थोड़ा उसमें लगा लिया था। तो अब इसके ऊपर केचप डाल लेते हैं, अगर आपको पसंद नहीं है तो ना डालें, कोई मसला नहीं। तो जी जी मेरे जो हॉट डॉग हैं या इस्लामी हैं वो बनके तैयार हो चुके हैं, बहुत टेस्टी बने थे। घर की चीज़ साफ सुथरी चीज़ का तो टेस्ट ही बहुत होता है। तो जी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमेशा की तरह आप खुश रहें, आबाद रहें और अपने घर में रहें, सेफ़ रहें, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तो उम्मीद हसन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।